आमतौर पर आपने लकड़ी के कई आकर्षक फर्नीचर फ्रेम्स देखी होगी, लेकिन जब राजस्थान की बात की जाती है तो यहाँ के फर्नीचर में भी राजसी ठाट बाट देखने को मिलता है। दरअसल उदयपुर शहर का एक परिवार ऐसा है जो करीब 5 पीढ़ियों से भी अधिक समय से चांदी पर फर्नीचर बनाने का खास कार्य कर रहा है। दरअसल उदयपुर के केजी हैंडीक्राफ्ट के संचालक कमलेश जिंगर ने बताया कि उनके दादाजी व उनके भी पिता मेवाड़ के राजमहलों में फर्नीचर बनाने का कार्य करते थे और यह फर्नीचर अपने आप में बहुत खास होता था क्योंकि यह चांदी का फर्नीचर होता था। लकड़ी के बने फर्नीचर पर खास तौर पर चांदी की चादर चढ़ाई जाती है और उस पर बारीकी से कार्य किया जाता है। इसके बाद उसे आकर्षक बनाया जाता है और खास तरीके की पॉलिश भी की जाती है जिससे वह और भी ज्यादा अट्रैक्टिव दिखे। शुद्ध चांदी से बनाए जाने वाला यह फर्नीचर अपने आप में बहुत खास है। इन दिनों कई देशी विदेशी पर्यटक के साथ कई लोग इस तरीके का खास एंटीक फर्नीचर अपने घर में रखना पसंद करते हैं। उनके द्वारा कई तरीके के आकर्षक फर्नीचर तैयार किया जाता है। इसके साथ ही चांदी के कई सजावटी सामान भी उनके द्वारा तैयार किए जा रहे हैं। फादर वगैरह ये तो क्या सिर्फ लकड़ी के ऊपर सिल्वर का काम ही करते थे। हमने इसको क्या थोड़ा चेंज करा, लग्जरी टाइप करके इसमें हमने चांदी के साथ में सीप भी लगाई। सीप जो बाहर से मंगाते हैं वो सीप क्या है कि इसमें चांदी सीप और ये वुडन इन तीनों को मिला के हमने नया प्रोजेक्ट चालू कराया है जो कि सारी शादियों में वगैरह लोग बाग देते हैं गिफ्ट में और टूरिस्ट भी बहुत पसंद करते हैं इसको। और अभी जो चलन हो गया तो बड़े बड़े जो बंगले होते हैं, बड़ी बड़ी जो होटले होते हैं 5 स्टार 7 स्टार उनमें हमारा ये सामान भी रखा जाता है तो इससे हमारे भी कारोबार में बहुत गति हुई, रोजगार भी बढ़ गया है। जिससे पहले बहुत कम जगह थे इस लाइन में, आज उदयपुर में हजारों जगह ये काम कर रहे हैं और बहुत से जगह लकड़ी के कारीगर भी बहुत से बाहर से भी आ गए हैं, वो भी काम कर रहे हैं और बड़े से बड़ा काम जैसे जैसे उद्योग बढ़ता जा रहा है हमारे बच्चों को भी इसी लाइन में लेके आ गए दोनों तीनों बच्चों को। अब ये आगे का काम ये भी संभाल लेंगे और इसको नई टेक्नोलॉजी और क्या करेंगे ये उसके आगे में करेंगे।